हिरदे अंदर प्यार लेके इस संसार दी दौड़ भज नूं त्याग के शरीरक रसां दा त्याग करके अपनी आत्मा नूं खुराक देण वास्ते शब्द गुरु रूहानियत दे रहबर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणों विच जुड़ बैठे हो। अमृतमई बाणी दा कीर्तन आप जी ने गुरु के स्वारे कीर्तनियां तो सरवण कीता है। उपरंत मिथे हुए प्रोग्राम अनुसार गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की उचारण की हुई पवित्र बाणी जपजी साहब जी की व्याख्या कल तो आरंभ है। उस लड़ी अधीन कल आपां एक ओंकार सतनाम इस पवित्र विचार नाल जुड़े सी। समय अनुसार अज करता पुरख इस तों अगे जिन्ना भी समा सतगुरु बख्शिश करनगे विचार करन दा यतन करांगे। आप जी गुरमुख प्यारे गुरु शब्द दे वणजारे जुड़ बैठे हो, कृपालता करनी रहमत परिदृष्टि पौनी तां कि तुरकी बाणी दी विचार गुरमत अनुसार कीती जा सके। विचार आरंभण तों पहला समूह साध संगत करो कृपालता, रसना करो पवित्र और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर कृपालता करो और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। करता पुरख इस मंगला चरण विच अकाल पुरख वाहिगुरु दे कई नाम गिने गए, क्योंकि नाम तो बिना अकाल पुरख वाहिगुरु विच समाउण दी गल तां दूर है। उहदे विच उहदे नाल सांझ पाउण लई इको एक उहदा नाम ही सहायक है। सच तां इह है एक मनुख दूसरे मनुख नूं मिलना चाहे ते उन्हां दोवां विच भी आपसी सांझ नाम दी उन्हां दा मिलाप कराउंदी है। जे किसे मनुख नूं असीं मिलना है, जे उहदा नाम साडे कोल नहीं, उहदा एड्रैस नहीं, उसदा नंबर नहीं, मेरे ख्याल विच सारी उम्र भटकदे रहांगे, उहदे तक साडी पहुंच नहीं हो सकदी। वो चार अखर मनुख नूं मिला देंदे ने जिहड़ा उसका नाम है। इसलिए सतगुरां ने बाणी विच नाम की वार वार व्याख्या की है। नाम के तारे सगले जंत, केवल परमात्मा नहीं सारे जीव, उन्हां दी जीवन सत्ता नूं एक शब्द चला रहा है। वो शब्द गुरु नानक साहब ने प्रकट किया अखरां दे विच। मनुख दा नाम ना होवे संसार नाल सांझ नहीं पै सकदी। याद रखना, जदों असी जन्म लिया सी उहदे तो 10 भी घंटे बाद, जिवें कल मैं बेनती कीती सी, इह शरीर दा जन्म होया ते परिवार नूं इक सब तो पहला फिकर पैंदा उह किहड़ा है कि इस बच्चे दा नाम की रखिया जाए, क्योंकि सानूं पता है नाम तो बिना कोई भी मनुख संसार विच सफर नहीं कर सकता। जिन्ना चिर किसी मनुख का नाम नहीं रखा जाता, तो यह गल पक्की है जे असी नाम तो बिना संसार नाल सांझ नहीं पा सकते तो फिर निरंकार दे घर नाल नाम तो बिना सांझ किवें बनेगी। इसलिए आप इस बाणी विच अगे जाके ये बचन सरवण करोगे, अखरी नाम अखरी साधा अखरी ज्ञान गीत गुण गा
अखरी लिखण बोलण बाण अखरां सिर संजोग वखाण। संजोग दा मतलब है जोड़। ए अखर शब्द क्यों लिया गुरु साहब? क्योंकि नाम दे गुरबाणी दे विच वैसे ता कई रूप हन। ये जो आप जी ने मंगलाचरण सरवण कीता है एक ओंकार तो लैके होसी भी सच तक इनू मूल मंत्र दे रूप विच भी जपिया जाता है। मंगलाचरण गुरप्रसाद तक भी मनिया जाता है। इहदे विच सारे अखर वरते गए ने। दो तरह का नाम गुरबाणी ने मनिया है। उन्हां दे विच पहला नाम है जिहड़ा वर्णात्मक नाम है जिहड़ा अखरां विच लिखिया जाता है जिसनूं असीं देख सकने हां। जिहड़ा 35 अखरी विच लिखिया जाता है वह वर्ण भाषा का विशा है। उन्हों किसी भी भाषा विच लिखिया जा सकता है। इंग्लिश वाले भी वाहेगुरु शब्द नूं अपने ढंग नाल लिख सकते ने। उहदे कई रूप ने इसलिए उहदे कई रूप भाषा विच हो सकते ने। ख्याल करना यह नाम की शुरुआत है। अखरां विच नाम नूं लिखना इहदा एक रूप नहीं है। सारिया भाषावां विच इको शब्द नूं लिखिया जा सकता है। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵਾਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖਿਲ ਹੈ, ਬਿਗਸ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਗੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਾਨਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक खासियत है कि वह सिख की तोतली जबान विच भी बोल के अरदास करन दी जाच दस दे। सिख की बोली दे विच बोलदे ने गुरु नूं बोलना पैंदा है, इसलिए गुरबाणी दे विच गुरु नूं मां कहा गया है, वार वार मां शब्द नाल पुकारिया गया है। उहदा कारण की है? सच जाणो जे मां बच्चे नाल तोतली जुबान विच गल ना करे शायद बच्चा सारी उम्र बोलना ही ना सीख सके, उहदे नाल बिल्कुल बच्चियां वांगू बोलना पैंदा है। कई वारी तुसीं वेखोगे बजुर्ग लोग बड़ी वड्डी उम्र दे लोग बच्चियां दे नाल बच्चियां वाली भाषा विच गल करदे ने, क्यों? जे उहनां नाल बच्चियां वांग गल ना कीती गई ये पूरी तरह बोली नहीं सीख सकणगे। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे अंदर सिख दी बोली भी है, गुरु दी बोली भी है, ते परमात्मा दी बोली भी है। तिन्ने बोलियां विद्वान ने। असी केड़े थां तों शुरू करना है, क्योंकि असी सिख हां, अरदास तों गल शुरू करनी है। इसलिए बेनती कर रहा सां अज दे पवित्र इस बचन दे अंदर परमात्मा दे स्वरूप बयान कीते गए ने। एक ओंकार सतनाम ते नाम दे दो हिस्से मैं आप जी दे चरणा विच बेनती कर रहा सां। नाम तो बिना ना संसार नाल सांझ पै सकती है, नाम तो बिना ना निरंकार नाल सांझ पै सकती है। नाम विचोला है, शब्द विचकार खड़ा है। तुसी आसा जी दी वार दा कीर्तन सरवण करोगे, उहदे विच ए शब्द ए लफज गुरु नानक साहब ने प्यार भरे उचारण किते ने। परमात्मा ने अपने तो जिहड़ा सैकंड शक्ति पैदा कीती, अपने तो दूजे नंबर ते जिहड़ी ताकत पैदा कीती वह शब्द सी, जिहड़ी दूसरे नंबर ते ताकत पैदा कीती और शब्द दे राही फिर सारे संसार की साजना कीती। ये तीन हिस्सों विच वंडिया गुरबाणी विच, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाउ। परमात्मा ने अपने विचों शब्द पैदा कीता, कीता पसाओ एको गवाओ तिसते होए लख दरियाओ। अपने विचों शब्द पैदा कीता ते शब्द दे विचों संसार पैदा कीता। इसलिए जिस दे राही असी आए हाँ उस दे राही वापस जा सकांगे। ख्याल करना इस दरबार दे विच आउन वास्ते असी जेड़ा दरवाजा वरत्या है वापस उहदे राही वापस जाना पैग। शब्द दे राही साडी पैदाइश होई है, नाम दे राही असी पैदा होए ते नाम दे राही असी वापस अपने घर विच जा सकांगे। जे असी नाम नूं छड्ड दित्ता फिर साडी हालात यह बन जाएगी कि घरों निकल तां गए पर वापस आउण दा रस्ता भुल गया। अज संसार दौड़ रहा है, अज असी भटक गए हां, रस्ते तो दूर जा रहे, जीवन आसे पासे जा रहा, क्यों? घरों तो निकल आए, जन्म तो ले लिया, वापस जाने की जाच ही नहीं रही, क्योंकि वापस जाने का रस्ता सी शब्द। शब्द नूं असी त्याग दिता, गुरबाणी नूं त्याग दिता, नाम नालों सांझ तोड़ दी, वापसी भुल गई, इसलिए भटक गए। जिवें कोई पंछी अपने आलने विचों उड के कितने दूर चला जाता है और दूर जाने तो बाद उन्हें वापस आने का रस्ता भुल जाता है। जे अपने घर विच वापस आना है तो रस्ता सिर्फ गुरु का शब्द है, गुरु के शब्द नूं अपनाउणा पएगा और गुरु का शब्द गुरु तो बिना प्राप्त नहीं हुंदा। शब्द तो सारयां दे कोल है। एक मैं बेनती जरूर करांगा, शब्द चंगी गल है, कोई भी मनुख जप सकदा है, उहदे लाभ होणगे, उहदी कोई हानि नहीं। पर गुरबाणी दे विच शब्द दे नाल एक होर गल की गई कि तू गुरु के शब्द की कमाई कर, क्योंकि अपने आप शब्द सीधा शब्द है, सारयां नूं पता है वाहिगुरु शब्द है, यह मूल मंत्र है, यह बाणी है, सारे पढ़ सकते ने। पर शब्द काम उदों करेगा जदों यह गुरु के मूंह तो निकलिया होगा। जदों गुरु के मूंह तो यह शब्द बाहर आएगा तो सिख के कण तक चला जाएगा। इहनूं कहिंदे ने शब्द संचार, इहनूं कहिंदे ने अमृत संचार। संचार का मतलब हुंदा है एक थां तो दूजी थां ते ट्रांसफर करना, बदल देना।
गुरमत दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा पवित्र पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे अंदर पंज प्यारियां दे राही ट्रांसफर हो के तब्दीली करके संचार करके सफर करके शब्द सिख दे हिरदे तक जांदा है। ये रस्ता है, फिर उस शब्द की कमाई की जाती है, ये वक्री गल है। फिर उन्हों जिहड़ा कमाएगा उतनी जल्दी चला जाएगा, जिन्नी उहदी कमाई वधेगी जिन्ना उन्हों कमाएगा, इहदे विच कोई जल्दी नहीं, इहदे विच कोई आस नहीं, इहदे विच कोई पता नहीं कौन कितनी जल्दी जा सकता है, क्योंकि कौन कितनी एकाग्रता दे नाल तुरदा है इहदे उत्ते निर्भर करदा है। इस करके बाद विच ए धर्म जेड़ा कमाई दा विषय कई बार असी कह देने हां कि असी इन्ने चिर दे धर्म कमा रहे हां, जीवन विच तब्दीली कोई नहीं आई। ख्याल करना दुनिया विच असी अमीर होए हां 30-30 40-40 साल ला के, और ये भी सानू पता है उन्हां 30-30 40 सालां दे विच असी 24 घंटियां दे विचों 20-20 घंटे काम ते लाए हां, तां असी इस थां ते पहुंचे हां, तां असी अमीर होए हां, तां साडे कोल धन आया। कितने कितने समय ला दिते, कितना कितना वक्त लाया है संसार दे विच अमीर होण वास्ते। सारिआं दे जीवन दा इतिहास है, असी अपने जीवन दे विच 30-30, 35-35 साल ला दिते, और उन्हां 30 सालां दे विच हर रोज असी अमीर होण वास्ते संसारक तौर ते 15-15, 18-18 घंटे लगातार काम कीता है, ते अज उहदे नतीजे निकले, अज उहदे रिजल्ट आए, असी अमीर हो गए, साडे कोल माया आ गई। पर दूसरे पासे कदी जोड़ के देखना, जिस धर्म नूं असी अपनाया है उहदे वास्ते 24 घंटिआं दे विचों असी 2-4-10-20 मिंट सिर्फ कढे, असी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी दी परिक्रमा करन ते जोर दित्ता है। ये चंगी गल सी, करना चाहिए। मैं किसी भी प्यार भरे कर्म नूं कटना नहीं चाहुंदा, जिहदे अंदर प्यार होवे उह कर्म कांड नहीं है। ख्याल करना अजकल असी कर्म कांड ते ना ते कर्म कांड दी विरोधता दे ना ते कई वारी किसे दा प्यार तोड़न लग्या देर नहीं लाउंदे। कोई केड़े राह तो तुर रहा है, किसे रस्ते कोई गुरु तक आ रहा है, चंगी गल है, पर यह गल जरूर ख्याल विच रखना, मत्था टेकना, परिक्रमा करनी एक बड़ी वधिया श्रद्धा है, पर इन्ने नाल गुरु खुश नहीं होणगे। गुरु की गल सुननी पैगी, गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुनना पैगा। एक चंगी गल है कि असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं रुमाला साहिब दे दिता, बड़ी वधिया गल है, देना चाहिदा है, पर इहदे नाल गुरु खुश हो जाण ये कोई गल समझ विच नहीं आउंदी, ये बड़ी छोटी गल है। मेरे ख्याल विच कोई व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सोने दा रुमाला दे दे, गुरु की खुशी इहदे नाल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्ना चिर गुरु की गल ना सुनी जाए, साडे घरां विच बजुर्ग ने कदी उहनां दे कोल बैठना, किसी बजुर्ग नूं मैं मिलिया सोने दे भांडिआं विच भोजन छक रहा सी, उहदे आले दुआले नौकर खड़े सन, बड़े वड्डे महल विच बैठा सी, शीश महल दे अंदर उहने भोजन छकिया, कई प्रकार दा भोजन, अमीर आदमी सन, अमीर बेटियां दा बाप सी, सोने दे भांडिआं विच भोजन छकदा सी। जदों उहने छक लिया, हथ धो ले, उह चले गए, बेनती कीती बड़े स्वर्ग विच हो, बड़े आनंद विच हो, क्यों सोने दे भांडिआं विच लोकां नूं ते हथ ते भी प्रशादा नहीं मिलदा, तुहानूं सोने दे बरतनां विच मिलदा है। उहदीआं अक्खां विचों पाणी दीआं धारां वहि पईआं, कहिण लगा अज तूं पुछिआ ठीक कीता है, मैं तैनूं दस दिआं, इह सोने दे भांडे मेरे वास्ते जंजीरां ने, क्यों भोजन तां सोने दे भांडिआं विच दिंदे ने, पर मेरे कोल कोई नहीं बहिंदा, मेरी औलाद मैनूं भोजन सोने दे भांडिआं विच दे रही है, नौकर रखे हुए ने, 36 प्रकार का भोजन है, शीश महल विच बैठा हुआ,
पर मेरे कोल मेरा बच्चा कोई नहीं बैंदा ते ना ही मेरी कोई गल सुनदा। इस करके इहदे तों वड्डा होर कोई दुख नहीं है। मैनू ख्याल आया धन गुरु ग्रंथ साहिब भी किते इस तरह ना कहिंदे हो कि मेरे सिख मैनू सोना भेट करदे ने, मेरे गुरुद्वारे दे उत्ते गुंबज दे सोना ला देंदे ने, मेरे कोल वधिया वधिया सब कुछ चढ़ा देंदे ने, पर ये बड़े अफसोस की गल है मेरे सिख मेरे कोल बैठ वास्ते तैयार नहीं, मेरे कोल बैठ जाण ते मेरी गल सुनने वास्ते तैयार नहीं। इस करके गुरु की खुशी दे अर्थ ने गुरु की गल सुननी, पहला ध्यान नाल घटो घट सुननी, मनना अगली मंजिल है, उहदे नाल कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं बेनती करांगा गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुन जरूर लैणा, मनना जां ना मनना यह तुहाडी मर्जी है, ये विशा तुहाडे अपने जीवन का है, इत्थे कोई किसी नाल जबरदस्ती नहीं है। मनना जां ना मनना अपने जीवन का विशा है। यह भी एक बड़ा वड्डा जिगरा है कि घट्टो घट गुरु की गल सुनते लैणा ते सुनन तों बाद यह कह देना भी गुरु ठीक कह रहे हैं, कमी मेरे अंदर है, अद्धा काम हो गया, अद्धी कारवाई हो गई जीवन की। जदों मनुख मन जाता है मेरे तो गुरु दे कहे ते तुरिया नहीं जा रहा, गुरु ठीक कह रहे ने, 50% सिख गुरु दे नेड़े आ जाता है। इउं मानो दे जीवन में सिखी का बीज पै जाता है, किसी दिन फुटेगा, किसी दिन उन्हूं फुल लगणगे, किसी दिन उन्हूं फल लगणगे। इसलिए अगे इस बाणी विच सुनिया दीआं चार पौड़ियां आउणगीआं जिहड़ियां बड़ियां महत्वपूर्ण ने। सिखी का संबंध सिखी का एक हिस्सा है, केवल लंगर छकना लंगर छकाउणा बाहरों पूजा करनी बाहरी तौर पर दीवान सजाने कथा करनियां कीर्तन सुनना एक बाहरला हिस्सा है धर्म का, पर धर्म का अंदरूनी हिस्सा है गुरु की विचार नूं सुन के उहदे तों बाद गुरु के शब्द की कमाई करनी जीवन दे विच, अपना निजी धर्म पैदा करना दूसरे का नहीं। सिख धर्म का संबंध किसी दूसरे बंदे नाल कोई नहीं है, कोई कीर्तन करेगा जिन्ना चिर असीं उहनूं सुणिया ही नहीं उह कीर्तन उहदा अपना है, इहदा प्रबंध माया दे के नहीं कीता जा सकदा। कोई पाठ करेगा असीं माया दे दित्ती असीं समझ लिया उह साडा हो गया, एक पुन कर्म हो सकता है उहदे विच फायदा है उहदे विच लाभ हो सकता है, पर उह साडा धर्म कदों बनेगा जदों असीं उहनूं खुद ध्यान नाल सरवण कीता उन्हों प्यार कीता उदे नाल लिव जोड़ी उदे तो बाद वो धर्म साडा अपना बनेगा। गुरु कृपा करे गुरु नानक साहब ने 500 साल पहला एक इस तरह के धर्म की शुरुआत की सी जेड़ा साडा जीवन होवे जेड़ा साडा अपना होवे। ते मैं एक बेनती करा जिन्ना चिर असी धर्मी नहीं बनते उन्ना चिर धर्म बारे जिन्हें मर्जी सवाल पूछ लीए धर्म बारे सानू कोई समझ नहीं आएगी। थोड़े दिन तो आप दे इस धरती ते आके मैं जो कुछ देखिया कि सवाल जवाब मैं जेडे गुरमुख मिले वो कहते सवाल जवाब बहुत ने धर्म बारे किन्ने साल तो पूछ रहे हाँ, भी साल तो असी सुना रहे हाँ, तुसी सुन रहे हो, सवालों के जवाब दिते जा रहे हैं पर हल क्यों नहीं होंदा, इहदा कारण की है। जिवें कोई व्यक्ति 20 साल तो पूछ रहा सी बुखार किवें दा हुंदा है, ताप किवें चढ़दा है, बुखार किवें चढ़ेगा, बुखार ताप शरीर नूं की करदा है, 20 साल तो पूछ रहा सी डॉक्टर उहनूं दस रहा सी, उहने डॉक्टर दा सिर खा लिया, बुखार की हुंदा है, ताप की हुंदा है। एक दिन उहने आख के कह दिता सजना जिस दिन तेनूं बुखार चढ़िया तेनूं उदन ही सही पता लगेगा बुखार की हुंदा है, उहदे तों पहला नहीं है। इसलिए मैं बेनती करांगा धर्म बारे सवाल पूछण तों पहला धर्मी हो जाणा, नहीं तो सवाल दे जवाब देण नाल भी तुहाडी तसल्ली नहीं होवेगी। जे धर्म बारे जानना है पहला धर्मी होना, जे बुखार बारे जानना है उहनूं अपने आप पता लग जाएगा बुखार की है, भुख बारे जानना है तो भुख लगेगी। तुसीं ख्याल करना दो चार घंटिया तो बाद जो बच्चे का जन्म हुंदा है, जन्म तो दो चार पांच सत घंटिया तो बाद वो अपने आप दुध की तलाश करन लग पैंदा है, वो दुध
लभण लग पैंदा, मंगण लग पैंदा, रोण लग पैंदा। क्यों? क्योंकि उन्हें भुख लगी है। पर जे किसी 80 साल के बजुर्ग नूं सिखाया जाए भुख इस तरह लगती है, जिन्ना चिर उन्हें भुख लगी ही नहीं उन्ना समा वह भुख बारे किवें जान सकता है। जिस तन लागी सोई जाने अवर के जाने को पीर परैया, धर्म कोई खेड़ नहीं। अज लोग विज्ञान पढ़ के धर्म बारे सवाल लेके तुरे ने। धर्म का सवाल केवल श्रद्धालु लोगों का विषय है, उन्होंने जी आया नू है, जिन्हों के श्रद्धा है, प्यार है, जिन्हों के प्रेम है, उन्होंने 100 ते 1000 सवाल भी हल किए जा सकते हैं। पर तर्कवादी दे नहीं, उन्हों का अधिकार ही नहीं धर्म बारे सवाल पूछण का। धर्म का सवाल पूछण तो पहला धर्म ही होना पड़ेगा। इसलिए अज के पवित्र शब्द के संबंध में मैं बेनती करना चाहना, खैर विशा किसी होर दिन विचारन का यतन करांगे। दो तरह का नाम है, वर्णात्मक नाम जिहड़ा अखरों में लिखा जाता है, गुरबाणी उहदे दर्शन करने, गुरबाणी नूं पढ़ना नाम का पहला हिस्सा है। पर जदों असीं अपने सतगुरु नूं कहिंदे आ ना कि सतगुरु शब्द गुरु ने, ते शब्द उदों बणदा है जदों शब्द नूं पढ़िया जाए, बोलिया जाए। उहदे तों पहला शब्द नहीं बणदा। शब्द दे अर्थ साउंड नूं शब्द कहिंदे ने, जदों आवाज आउंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी उदों शब्द गुरु, शब्द गुरु जदों कोई शब्द पढ़दा है, जदों कोई प्यार नाल जपजी साहिब उचारण करदा है, उहदे गले विचों आवाज निकलदी है। क्योंकि ये परमात्मा का एक प्रतिनिधि है शब्द। जिवें कोई व्यक्ति किसी नूं भेज देंदा अपना करन वास्ते, इसलिए शब्द गुरु नानक साहिब ने कृपा की, सब तो वड्डी रहमत की जिहड़ा उन्हां ने विचोले बन के परमात्मा की बोली साड़ी बोली विच उतार दी, जिन्हों तुरकी बाणी कहा गया है। बड़ा औखा, इन्हों उतारना बहुत औखा सी। इसलिए सतगुरां ने कहा कि नानक कथना करड़ा सार, बाणी नूं उचारना इन्ना औखा सी जिवें लोहे की मदाणी, जिवें दही नूं रिड़किया जांदा है, दही दे थां ते जिवें लोहे नूं रिड़किया जाए, इन्ना औखा है। शब्द की विचार करनी तां असीं तां वेखो लिखिया हुई अर्थ करने आ, इस करके ये फोके पै जांदे ने, थोड़े दिनों विच फिका हो जांदा है, इन्हां विचों जीवन तब्दील नहीं हुंदे। मेरे सतगुरु ने अज दे पवित्र शब्द दे विच लड़ीवार शब्द वल तुरन दा यतन करां। एक ओंकार सतनाम, ओ एक अकाल पुरख जिस दे नाल दा होर दूसरा कोई नहीं है। इन्ने उहदे विच गुण ने, ओ प्यार देण वाला है, कृपा करन वाला है। सतनाम, ये सतनाम बाणी विच कई वारी आएगा। इहदे अर्थ ओ सतनाम नहीं जिहड़ा असीं जपण विच लै के आउंदे। सतनाम का अर्थ है कायम रहण वाला, जो सदीव है, जो कोई नाम ही जपे तां वी रहिंदा है। जदों संसार पैदा नहीं भी सी भी होया उदों भी सतनाम, ओ नाम इत्थे कायम सी, जदों कोई जपण वाला भी नहीं सी। इह जिन्ने नाम ने इह किरतम नाम ने। गुरु अर्जन देव जी ने बाणी विच कहा कि किरतम नाम कथे तेरे जेवा, सतनाम तेरा परा पुरबला। पुरबला का अर्थ सतनाम सब तो पहला सी, आ बाकी दे सारे किरतम नाम। कई सज्जन सवाल करते ने, गुरबाणी दे विच कृष्ण का नाम भी आउंदा है, राम का नाम भी है, हरी भी है। ध्यान देना, यह सारे किरतम नाम ने। परमात्मा दे सुभा तो वेख के कोई किवें दा है, उस अनुसार उहदे नाम रखे गए। जिवें दा उहदा सुभा वेख्या उस तरह का नाम रख दिता। यह किसी अवतार दे नाम गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं आए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी दे विच जदों राम शब्द आएगा, ते ये राम शब्द दशरथ दे पुत्र रामचंद्र दा नहीं होगा, क्योंकि उहदे तों पहला भी राम लफ्ज प्रचलित सी संसार दे विच। जदों रामचंद्र पैदा होए, किसी अवतार की विरोधता करनी ठीक नहीं, वो अपने ढंग विच अपनी थां ते ठीक है, पर यह समझ लेना भी उस रामचंद्र दा नाम है, यह बिल्कुल गलत है।
ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆ ਹਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੋਰ, ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਿਉਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਜਕ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਤੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਢੱਕ ਦਈਏ, ਉਹ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ।
ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ, ਪੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੋਟ ਦੀ ਬੰਧ ਲੈਣੀ, ਪੰਡ ਬੰਧਣੀ। ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਹਸਤ ਭਾਜ ਕੇ ਚੀਸਾ ਮਾਰੇ, ਹਾਥੀ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਥੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕੇਵਲ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਸਤ ਭਾਜ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ, ਇਆਂ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਗਤ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਐਟੋਮੈਟਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ,
करता मन लईए, उस नूं अकाल पुरख वाहिगुरु नूं करन वाला वह मन लईए, उही सब कुछ करन वाला है, तां अंदरों चिंता जिहड़ी है चली जाएगी। इसलिए सतगुरां ने कहा, काहे रे मन चित वै उद्दम, जां आहर हर जीओ भरिया, सैल पत्थर मैं जंत जंत उपाए, तां का रिजक आगे कर धरिया। चिंता करन वाला नानक, चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, पर वो साड़ी चिंता ता करे जे असी अपनी चिंता करनी छड़ दईए। ये साड़े विच जरूरत नहीं है, साड़े विच ताकत नहीं कि असी अपने आप की चिंता करनी छड़ दईए। इसलिए करता वो करन वाला है, पुरख, पुरख का अर्थ है समाया होया, इहदे अर्थ ने संस्कृत का लफ्ज है लेटिया होया, विच बैठा होया। ये पुरख शब्द बहुत प्यारा है, पुरख का अर्थ है मनुख के शरीर विच बैठा होया, जेड़ा शरीर विच निवास रखता है, जेड़ा साडे शरीर विच बोल रहा है। पर जे असी करता होने की गलती छड़ दईए भी असी करता आप हाँ, गुरु नानक साहब जी ने एक नगर वसाया सब तो पहला जो हुण पाकिस्तान के अंदर है, बार्डर ते है, करतारपुर सब तो पहला नगर से। इत्थे पहला कोई नगर नहीं सी, सतगुरु चले गए उस थान ते, एक जंगल सी, थोड़े जे खेत सन, एक जिमीदार दा ओ थान सी जिहदा नाम सी दोदा शाह, ये खेतीबाड़ी करदा सी। सतगुरु बैठे ने, कीर्तन होण लग पिया, दोदे शाह दी घरवाली दुध लैके खेतां वल जा रही सी अपने पति वास्ते, कामिया वास्ते। रस्ते विच वेख्या कोई साधु बैठे ने, चली गई, कीर्तन सुनिया, सब कुछ भुल गया, मन एकागर हो गया। दोदा भी देख के नेड़े आ गया, उन्हें आके पुछया रस्ते विच क्यों, की कारण, पर नेड़े आके वह भी जुड़ गया, उहदा भी मन एकागर हो गया। कीर्तन का भोग पिया, सोचिया साधु ने फकीर लगते ने, दुध की सेवा करा, अरदास की, बेनती की, फकीर साईं दुध छक लो। उस वेले पता नहीं सी कि गुरु नानक साहब ने दुध छक लो। सतगुरां ने कहा, यह दुध किदा है, यह किस दा दुध है? कुदरती तौर पर मनुख का सुभा है, उन्हें कह दिता है दुध मेरा है क्योंकि मेरे घरों आया है। सतगुरां ने कहा, दुध तेरा किवें है? उन्हें जवाब दिता, मेरी मझ का दुध है, मेरी गां का दुध है, इसलिए दुध मेरा है। यह गऊ किस दी है, मझ कि दी है, यह किवें तेरे तक आई, इन्हें दुध किवें दिता? कहन लगा, मेरे खेत ने, मेरे खेत विच घा हो गया, उहदे विच फसल हुई, मैं गऊ खरीदी, मझ खरीद ली, खेत मेरे ने। सतगुरु अज उन्हूं समझाउण लगे कि करता दे अर्थ की ने। कहन लगे, तेरे तो पहला तेरे खेत किहदे सन जदों तू इस जमीन ते नहीं सन? कहन लगा, मेरे तो पहला मेरे बाप दे, उस तो पहला उस दे बाप दे, तीन चार पांच छे सत पीढ़ियां उन्हें गिण दित्तियां, सत तक उन्हूं नाम याद सन जिवें सानू भी याद ने। असीं कित्थों तक जा सकने आ, दादे पड़दादे तो अगे नाम खत्म हो जाएंगे, भुल जाएंगे। सतगुरु पुछते गए ते पहला सतगुरु ने एक वचन कहा सी, दुधिया दुध तेरा नहीं, यह दुध करतार दा है, करते पुरख दा है। ते इन्हें एक गल कही सी, महाराज करता पुरख कौन हुंदा है जिन्हों तुसीं कह रहे हो भी करते दा दुध है? सतगुरु जदों पुछते गए, दुधिया उहदे तों पहला कौन सी, तेरे दादे दा दादा कौन सी, उहदे तों पहला होर कौन सी? छे सत उसने नाम लए, अखीर नूं भुल गया। सतगुरां ने पुछया, दोदिया दे तों बाद कौन सी? कहन लगा, सतगुरु फिर वह करतार ही होएगा जिसनूं तुसीं करतार कहिंदे, वह निरंकार ही होएगा, यह खेत उहदे ही ने, यह सब कुछ उसदा है। इसलिए करता पुरख, पुरख का अर्थ है समाया होया, विच बैठा होया, सारे जगत के अंदर वो समाया है, सारे जगत दे विच लीन है। ये दो लफज करता पुरख
इस तो अगे निरभउ निरवैर अकाल जिहड़ा काल तो रहत है, मूरत उहदी एक तस्वीर है, वह सारिया तस्वीरां दे विच समाया होया। इहदे अर्थ आपां कल दे दीवान अंदर करांगे। सो समय अनुसार ये पौने सत तो लैके साढ़े सत 45 मिनट तक का समा है। आप संगतां दे चरणां विच बेनती है कि पूरे समय ते पहुँच के आप जी ने लाभ प्राप्त करना। ये जपजी साहब जी की पवित्र बाणी की विचार आने वाले दिनों दे विच लगातार की जाएगी। सो अज इन्नी ही आप जी ने बचन इन्ने प्रवान करने, साहब कृपा कर इस तरह आपां गुरु चरणां नाल जुड़ के जीवन का लाभ प्राप्त कर सकीए। सतगुरु रहमत बख्शिश करन इन्हियां बेनतियां प्रवान करनियां होईयां। बेअंत प्रकार दियां फुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।